दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल का लोकेशन ट्रैक है या नहीं कैसे पता करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि अपने मोबाइल का लोकेशन डाटा कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है या किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोजराम वर्मा, आप देख रहे हैं ऑफिकल वर्मा जी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना दोस्तों, ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ऊपर से नीचे कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नेट है, वाईफाई है, जहाँ से मैं नेट ऑन करता हूँ। कई मोबाइल में दोस्तों नीचे से रहता है लेकिन मेरा ऊपर से स्लैप करना पड़ता है। यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं GPS लिखा हुआ है, जिस पर लोकेशन का लोगो है। दोस्तों सिंपली इसे दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं आप लोकेशन सर्विस पे आ गए हैं। यदि आपको वहाँ से आना नहीं हो रहा है, सिंपली आप सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर आने के बाद में दोस्तों एडिशनल सेटिंग मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी एंड प्राइवेसी, दोस्तों आपके मोबाइल में जहाँ कहीं भी हो सेफ्टी एंड प्राइवेसी, सिंपल उस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है लोकेशन, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों आप वहीं पे आ गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसे ऑन कर लेना है। अगर आपका ऑन है पहले से ऑफ करके रखिए दोस्तों हमेशा। मेरा ऑफ है आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसे अभी ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर लिया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिसेंट ऐप हैव रिक्वेस्टेड टू यूज़ लोकेशन डाटा। मतलब कि दोस्तों मेरा लोकेशन अभी किसी ने हैक नहीं किया है, ना ही कोई डाटा यूज़ कर रहा है और ना ही किसी ने ट्रैक किया हुआ है। दोस्तों अगर आपका लोकेशन कोई ट्रैक करके रखता है तो यहाँ पे उसका जो ऐप का नाम आएगा दोस्तों, जैसे कि कोई भी ब्राउज़र हो गया या क्रोम ब्राउज़र हो गया, यहाँ पे उसका नाम लिख के आता है दोस्तों, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर कोई अपने मोबाइल से आपका लोकेशन ट्रैक किया हुआ है तो वो भी आएगा दोस्तों, सिर्फ आपको यही पे ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे चले जाना है। नीचे में आप देख सकते हैं गूगल लोकेशन शेयरिंग लिखा हुआ है दोस्तों, सिंपल इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको लोकेशन कब और कैसे यूज़ करना है, ये सब लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन मेरा लोकेशन किसी ने हैक नहीं किया है, ट्रैक नहीं किया है, ये आप देख सकते हैं, ना ही कोई मेरा लोकेशन डाटा यूज़ कर रहा है। अगर आपका लोकेशन किसी ने हैक किया है या ट्रैक किया है तो यहाँ पर उसका मोबाइल का डिवाइस आएगा, या फिर कोई ऐप ने किया है जैसे कि ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पर वो आएगा दोस्तों। और इसे आप सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं। मेरे इसमें आया नहीं है दोस्तों, किसी ने मेरा लोकेशन डाटा यूज़ नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको डिलीट करके भी दिखा देता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।